ऑल आई right, जी वेलकम टू एन अर वीडियो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोम के एक एक्सी एक्सटेंशन की जो कि बहुत यूजफुल है वेब डिज़ाइनर्स के लिए वेब डेवलपर्स के लिए बिकॉज़ वी नो कि जब हम किसी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं या किसी भी डिज़ाइन पे काम कर रहे होते हैं और हम एक्सप्लोर करते हैं वेबसाइट्स पर तो हमें मोस्ट डेफिनेटली हम उसके इंस्पेक्शन टूल्स में भी जाते हैं बाई प्रेसिंग एफ एंड टू गो टू द एच टी एम एल मार्कअप और द सी एस एस फाइल्स एंड सेकेंडली अब एज अ डिज़ाइनिंग प्रस्पेक्टिव हम जब देखते हैं तो हमें उसके कलर थीम्स में चाहिए होते हैं उसकी इमेज़ चाहिए होती हैं सो so, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक एक्सटेंशन है विज इस सी एस एस पीपल सो दिस एक्सटेंशन लेट्स यू चूज़ द कलर एक्सट्रैक्ट द कलर आउट ऑफ योर वेबसाइट और द images उसमें से आप जितनी भी images यूज़ हुई हैं वेबसाइट की वो आप क्विकली देख भी सकते हैं एंड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने लोकल डिस्क पे सो so, आप यहाँ से इसको जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड इनेबल इट इन योर क्रोम एक्सटेंशन सो लेट us सी कि है किस तरह से ये एक्सटेंशन यूज़ होती है सो so, जब आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे इसका आइकन यहाँ पे appear हो रहा होगा सो so, किसी भी वेबसाइट पे जाएँ जिसको आप जिसका कलर थीम लेना चाहते हैं या उसमें से कोई इमेजेस निकालना चाहते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ वेबसाइट दिस इज़ अ रैंडम वेबसाइट सो मैं जाके यहाँ पे इस सी एस एस पेपर के आइकन पे क्लिक करूँगा एंड इट्स कैन प्रेजेंट मी विद दिस विंडो सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन पे हमें ये एक समरी दिखा रहा है कि इसमें से फोट्स कौन से इस्तेमाल हुए हैं सेकेंडली अगर आप यहाँ पर जाके कलर्स के टाइप पे जाएंगे तो इट्स कैन अ प्रजेंट यू कि इसमें कौन कौन से कलर इस वेबसाइट में यूज हुए हैं और आप क्विकली जाकर वहाँ से वो कलर सेलेक्ट भी कर सकते हैं इंडिविजुअली आप किसी एलिमेंट पे क्लिक करके वो उसका कलर भी देख सकते हैं एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर इज़ कि आप यहाँ पे इसके एसेट्स में जाएंगे सो so आप यहाँ पे इसके एसेट्स में जाके वो तमाम uh, उसकी जो उसमें इमेजेस यूज़ हुई हुई हैं आप वो देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी इमेजेस यूज़ हुई हुई हैं so सो इसके जो मेन पेज में आप देख सकते हैं कि एक ये इमेज यूज़ हुई हुई है एक ये और एक ये इमेज सो आप क्विकली यहाँ से जाके इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ऑन टू योर हार्ड ड्राइव ये भी मुझे करने नहीं दे रहा क्योंकि शायद इंटरनेट का मसला है आ, हम जाते हैं दूसरी वेबसाइट पे और यहाँ पे जाके चेक करते हैं और अगर यहाँ पे मैं इसके एसेट्स में जाऊँगा सो इसमें यहाँ पे थ्री इमेजेस यूज़ हुई हुई जैसा कि आप देख सकते हैं सो आई एम गोना क्विकली क्लिक ऑन एक्सपोर्ट और वन ऑफ़ द इमेजेस और या देख सकते हैं कि ये मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं इसको अपने लोकल डिस्क पे सेव कर सकूँ सो so इस इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट पर जाके कि उस किसी कलर थीम ले सकते हैं उसमें जितनी भी इमेज़ यूज़ हुएंगे आप वो इमेज यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे कि इसमें और भी इमेजेस यूज़ हुई होंगी जैसे ही कनेक्शन होगा और यहाँ पे यहाँ पे वो शो करना शुरू कर देगा सो दिस वाज अ क्विक ट्यूटोरियल आपको जैसे लिंक बता दिया है सी एस एस डॉट कॉम यहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोज़ जहाँ पर मैं आपको मजीद यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा सो टेक केयर बाय